ज्ञानवापी केस में सोमवार से नियमित सुनवाई शुरू हुई है, जिसमें गर्मी की छुट्टियों के बाद एक बार फिर ज्ञानवापी मस्जिद मामला गरमाने लगा है। वहीं बता दें कि ज्ञानवापी स्थित श्रृंगार गौरी नियमित दर्शन पूजन और अन्य विग्रहों के संरक्षण के लिए दायर याचिका पर सोमवार से नियमित सुनवाई शुरू हुई है। सोमवार को सुनवाई के बाद वाराणसी कोर्ट में मामले को 12 जुलाई को सुनवाई के लिए तय किया गया है। जी हां, ज्ञानवापी मामले में जिला जज की कोर्ट में सुनवाई शुरू हो गई है। आज से कुल 49 लोग सुनवाई के दौरान मौजूद है। ताजा जानकारी के मुताबिक ज्ञानवापी केस में मुस्लिम पक्ष ने बहस शुरू कर दी है। अभी 40 नंबर बिंदु पर मुस्लिम पक्ष की बहस कर रहा है, वही कुल 52 बिंदुओं पर बहस होनी बाकी है। ज्ञानवापी मामले में जिला जज की कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने 12 जुलाई की अगली तारीख दी है। हालांकि 51 बिंदुओं पर सुनवाई होनी बाकी है। तो वकील विष्णु जैन ने कहा कि सभी 51 बिंदुओं पर विपक्षी बहस कर चुके हैं। 12 जुलाई को मुस्लिम पक्ष फिर से अपनी बात रखेगा, हमारा दावा मजबूत है। साथ ही वीडियो लीकेज पर कोर्ट में कोई चर्चा नहीं हुई है। हालांकि अब लोग यही कहते जा रहे हैं कि इसका भी बिल्कुल बाबरी मस्जिद की तरह ही हाल होने वाला है। खैर, अब क्या होता है, आगे क्या फैसला लेती है कोर्ट, ये तो वक्त ही बताएगा। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को लाइक शेयर